और फाइनली ब्रेटिस्लावा में पहला और आखिरी दिन, और आज शुरुआत करनी है सिटी घूमने की। इट्स अ टाइनी स्मॉल टाउन, छोटी सी जगह है और इसको आप एक दिन में पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग वियना से यहाँ पे बस लेके डे ट्रिप पे आते हैं, बट क्योंकि मैंने तो यहाँ से गाड़ी उठानी थी और मैं एक रात रुक भी ले आऊँ, विच वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। हॉस्टल काफ़ी अच्छा है, बस यहाँ से अब निकलना है। 11 बजे का चेकआउट टाइम होता है। बैग शैग पैक करनी है, ये मेन बैग, ये कैमरा बैग, ये पिट्ठू बैग जो भी आज बाहर लेके जाना है, और उसके बाद एक्सप्लोर करते हुए सिटी। ২০১৯ के प्री कोविड यूरोप और उसकी एक कम जानी पहचानी और बड़े शहरों के मुकाबले 3 गुना तक सस्ती। ऑस्ट्रिया के साथ लगती एक छोटे से देश की ये राजधानी है ब्रेटिस्लावा। जिसकी कुछ ऐतिहासिक झलकियां आपको दिखाता मैं हूं। आपका ट्रैवलिंग देसी। और बेसिकली अगर आप निकल जाएं शहर की बड़ी बड़ी गलियों से, थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो जाएं, तो छोटी छोटी इन गलियों में पहुंच जाते हैं। और कई तो थोड़ी ठीक ठाक फिर भी चौड़ी हैं, पर कई बहुत संकरी हैं, और वो इसलिए क्योंकि ये बहुत पुरानी बनी हुई है और यहाँ पे टांगे चला करते थे। और अब यहाँ पर सड़कें नहीं, ये फेमस यूरोप की कोबलस्टोन स्ट्रीट है, जो टांगों के लिए तो ठीक है पर गाड़ियों के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिटी सेंटर के अंदर वैसे भी गाड़ियाँ अलाउड नहीं है। ये पूरा का पूरा हिस्टोरिक ओल्ड टाउन एक पेडेस्ट्रियन जोन है। बट इसके नज़ारों को निहारने की शुरुआत हुई थी मेरे हॉस्टल से, जहां मैं चेकआउट करने के बाद अपने लगेज को उसकी स्टोरेज में डाल रहा था। तो सबसे पहले विजिट करनी है यहाँ की कैसल, जो कि सबसे सेंट्रल और बड़ा लैंडमार्क है। यहाँ से 300 मीटर की वॉक पे ही है सिर्फ। उसके बाद यहाँ पे एक सोवियत मेमोरियल है स्लाविन, वहाँ जाना है। और फिर उसके बाद ओल्ड टाउन, जो कि अपने आप में कुछ खास बड़ा नहीं है, छोटा सा एक दिन में क्यूट सी सिटी है, इसको आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बस फिर रात को मैंने यहाँ से उठानी है अपनी गाड़ी और गाड़ी लेके जाना है ऑस्ट्रिया की ग्रैंड रोड ट्रिप पे। और सुबह सुबह का दिन निकल गया, सब अपने अपने रास्ते निकल गए हैं। बाकी दो लोगों ने जाना था आज बुडापेस्ट, एक ने दोपहर को, एक ने शाम को। मैं हॉस्टल से निकल रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया व्यू है यहाँ पे, जो कैफे है इनका इट्स प्रीटी नाइस। शाम के टाइम इट्स लाइक रियली कूल, बहुत सारे लोग आके बैठते हैं यहाँ पे। बट एनीवेज, अपन ने दिन की शुरुआत करनी है और ओल्ड टाउन के बीचों बीच तो मैं हूँ ही, तो इसीलिए कुछ ज़्यादा दूर चल के नहीं जाना। बट पहले नाश्ते का प्रबंध करना है, क्योंकि इस हॉस्टल में ब्रेकफास्ट फ्री नहीं है, भूख बहुत लग रही है और टाइम नहीं मिला कुछ देसी या घर पर कुछ जुगाड़ करने का, क्योंकि चेकआउट 10 बजे का है यहाँ पे। और हॉस्टल मेरा ये सामने और यहीं से हाइक शुरू होती है। और एक्चुअली ये हाइक वो है जो सिटी के फेमस व्यू पॉइंट और एक मेमोरियल पर जाती है। यहाँ से चलते चलते रास्ते में ऐसे बढ़िया व्यूज़ आते रहते हैं, और ऊपर की तरफ 25 मिनट के आसपास की चढ़ाई है अगर आप पूरी कर सकें। बट मैं यूजुअली क्या करता हूँ, ऐसी चढ़ाइयों पर बस पकड़ लेता हूँ, ऊपर जाता हूँ और वापस पैदल आता हूँ। और फिर फाइनली आप आते हैं इस नज़ारे की तरफ, थोड़ी सी और ऊपर चल के यहाँ पे कैसल की जो बाउंड्री की वॉल्स हैं वो लगभग ख़त्म होने वाली होती हैं। और व्यू एज यू कैन सी बहुत ही खूबसूरत है, इट्स एब्सोल्युटली रिवॉर्डिंग हाइक। कोई बहुत बड़ी नहीं है, बहुत स्टीप नहीं है, बीच बीच में सीढ़ियों के मिक्सर्स हैं, बैठने की जगहें बनी हुई हैं, नज़ारे हैं, हवा बढ़िया चल रही है, इट्स रियली गुड। और मैं एक ही दिन के लिए ब्रेटिस्लावा आया हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली ब्रेटिस्लावा कैसल जो है वो आज बंद है, क्योंकि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट इवेंट हो रहा है। एज यू कैन सी बथेरी पुलिस की गाड़ियाँ, वीआईपी प्रोटोकॉल यहाँ पे पीछे खड़े हुए हैं, सिक्योरिटी वाले सूट वूट वाले जो होते हैं, प्राइवेट बॉडी गार्ड टाइप्स, आई गेस कोई गवर्नमेंट इवेंट है।
और मैं पहुंच गया हूँ ब्रेटिस्लावा के फेमस स्लाविन मेमोरियल पे, और बस नंबर 147 सीधा यहीं उतारती है। बेस्ट तरीका है यहाँ आने का, आ इसमें सकते हैं और जा सकते हैं वापसी आप पैदल, क्योंकि जो ढलान है वो सीधा सिटी सेंटर में ले जाती है अगर आपका मूड। और ये मेमोरियल बना उस देश की सेना के सम्मान में जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने तकरीबन 2 करोड़ लोग गवा दिए थे। और ये जो मेमोरियल है ये बेसिकली स्लोवाक लोगों ने नहीं, ये सोवियत यूनियन ने बनवाया था। सोवियत यूनियन यानी कि 1991 से पहले का ग्रेटर रशिया, जो कि एक कम्युनिस्ट स्टेट थी। उसके बाद उसके कई टुकड़े हो गए थे जब कम्युनिस्ट रशिया टूट गया था, सोवियत यूनियन एक्चुअली। फिर उसमें से कई अलग अलग कंट्रीज निकली थी, जैसे कि रशिया, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाटविया भी आई थिंक उसी का ही पार्ट थी, और हंगरी तक जो है सोवियत यूनियन आ गया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी रशिया तक एंटर कर गया था, मॉस्को तक पहुंच गया था, उसके बाद रशियंस ने पूरी बड़ी ब्रेवरी दिखाई। उनकी द ग्रेट पेट्रियाटिक वॉर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सबसे बड़ी जंग थी, वो शुरू हुई। और उसके बाद उनको खदेड़ते हुए पहले पोलैंड तक ले गए, पोलैंड के बाद फिर जर्मनी में एंटर कर गए, और फिर एंड में बर्लिन तक पहुँच गए। और जब वो बर्लिन पहुँचे तब हिटलर ने सुसाइड कर ली थी। अब ये हिस्ट्री का ऐसा ना है, गैस प्रॉब्लम, आप लोग थोड़े से बोर हो जाएंगे, बट मेरे को हिस्ट्री का तो बहुत कीड़ा है। और ये मेरे को शुरू हुआ था जब मैंने कई डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी नेशनल ज्योग्राफिक पे, और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है एपोकलिप्स। ट्राई एंड वॉच एपोकलिप्स, उसके अंदर बताया गया है इस पूरी वॉर के बारे में डिटेल में। अब उसको देखने के बाद अगर आप यहाँ आएंगे तो एक अलग ही पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे सिटी को। मैं इतना तो यहाँ पे जो सोवियत फौजें थी, जब उन्होंने पूरे जर्मनी को खदेड़ना शुरू किया एंड तक, तो वो पहुँचे थे चेकोस्लोवाकिया भी बीच में। उस टाइम चेकोस्लोवाकिया पे जर्मनी का कब्जा था, और चेकोस्लोवाकिया तब एक सिंगल कंट्री हुआ करती थी, बट अब चेकोस्लोवाकिया अलग अलग हो गए, चेक रिपब्लिक अलग बन गया जो चेक लोगों की जगह है, और स्लोवाकिया अलग स्टेट बन गया जहाँ पे स्लोवाक लोग रहते हैं। तो अब ये डिफरेंट कंट्रीज हो गई हैं। पहले चेकोस्लोवाकिया की कैपिटल प्राग होती थी, अब वो चेक रिपब्लिक की कैपिटल है, और स्लोवाकिया का सबसे बड़ा शहर जो है वो ब्रेटिस्लावा था, तो अब वो यहाँ पे कैपिटल बन गया है स्लोवाकिया की, जहाँ पे भी फिलहाल मैं हूँ। और पीछे काफ़ी खूबसूरत शहर है, बट एज कम्पेयर टू वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ये कंट्री बहुत सस्ती है, दोनों एक्चुअली। यहाँ पे अभी भी यूरो चलते हैं, बट चेक रिपब्लिक की तो अपनी एक करेंसी है। एनीवेज दिस इज़ क्वाइट सूदिंग एंड अ काम प्लेस। वॉक यहाँ तक अच्छी है, अगर मौसम बढ़िया हो तो यू कैन एन्जॉय इट। और यहाँ पे एक्चुअली कुछ ग्रेव्स भी हैं उन सोवियत फौजों की जो यहाँ पे शहीद हो गए थे। बट एनीवेज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड नो इज़ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा जाने अगर किसी ने गवाई थी तो वो सोवियत रशिया था। सबसे ज़्यादा नुकसान उनका हुआ था, क्योंकि हिटलर ने ऐसी की तैसी फेर दी थी। और जब वापस जाते हुए, जब हिटलर की फौजें वापस जाती थी, जब उन्हें पता लग गया था कि वो हार रहे हैं, तो उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई जिसको स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी बोलते थे। इसका मतलब वापस जाते हुए रास्ते में जो कुछ भी है तोड़ दो, जला दो। उन्होंने सारी की सारी रशिया की जितनी फील्ड्स थी सब जला दी, गाँव के गाँव चला दिए, रेल लाइन बर्बाद कर दी, और उसके अलावा वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, फैक्ट्रीज थी, सारी की सारी तोड़ फोड़ के, मतलब बिल्कुल ही जिसे कहते हैं मिट्टी का ढेर बना दिया था रशिया को। इसीलिए जब रशियन लोगों ने वापस अपनी करेज गैदर करी और जर्मन्स को पीछे धकेलना शुरू किया, तो उन्होंने रज के बदला लिया जर्मन से, और इसीलिए पूरा का पूरा जर्मनी जो है बॉम्बिंग से और इन सोवियत फौजों के ज़बरदस्त फोर्स और अटैक की वजह से धूल में मिल गया था। तो अब जितना भी जर्मनी है, सारे बड़े शहर टूट के दोबारा बने, क्योंकि वो मिट्टी के ढेर हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो इससे पता लगता है कि जंग कितनी ख़तरनाक चीज़ है, बहुत जाने जाती हैं, बहुत लोग मरते हैं, बहुत लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। तो ऑलवेज पीस से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। और ऐसे मेमोरियल्स पे मैं अक्सर बस या टैक्सी लेके पहुंच जाता हूं और वापस जाते हुए सैर कर लेता हूं, क्योंकि ढलान पे चलना ओब्वियसली आसान होता है, और साथ में किसी नई सिटी के थोड़े नज़ारे वज़ारे इंजॉय करने को मिल जाते हैं। बस अब यहां पे भी पूरी प्रॉपर ट्रेल बनी हुई है जहां से नीचे उतरा जा सकता है, जिससे कि ये रही हूँ इधरों ही असी पुंजे लंघ जावांगे।
वाइट चॉकलेट मेरी फेवरेट है, तो इसलिए ये ले लिया है। 125 यूरो की मिली है, तकरीबन 120 रुपए की। यहाँ से बस जा रही है सेंटर, बट एक ही स्टॉप है, तो इसलिए अपन पैदल ही निकलेंगे। और अब मेरे पीछे ब्रेटिसलावा का फेमस प्रेसिडेंशियल पैलेस। इसके अंदर तो अभी नहीं जा सकते हैं, बट इसके पीछे एक बहुत खूबसूरत पार्क है जहाँ पे यहाँ की प्रिंसेस एक्चुअली क्वीन की, फॉर्मर क्वीन की मूर्ति है। सो इट्स अ गुड प्लेस टू कम एंड चिल। रात के टाइम यहाँ पे थोड़ी नज़ारा अच्छा होता है, और ये फाउंटेन चल रहा होता है समर्स में, अभी पता नहीं क्यों बंद हो गया। जब मैं विंटर्स में आया तब तो यहाँ बर्फ़ पड़ी हुई थी। और जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, ये बड़ा छोटा सा शहर है, तो इसको एक दिन में घूमना कोई मुश्किल बात नहीं है, सब कुछ पास पास है। अब दो मेमोरियल हो गए स्लावेन, अगर आपको इंटरेस्ट ना हो तो आप मिस भी कर सकते हैं, बट जो हिस्टोरिक ओल्ड टाउन है वो काफ़ी अच्छा है। वियना वगैरह से अगर आप एक दिन की डे ट्रिप पे आएँ तो इट्स वर्थ। एक कंट्री आपकी हो जाती है, एक कैपिटल आपकी ऐड हो जाती है। और अब शुरुआत करते हैं यहाँ के ओल्ड टाउन की। जहाँ की एक तो ये आइसक्रीम बड़ी मशहूर है, और दूसरा लिटिल मर्मेड और अगली डकलिंग टाइप स्टोरी बुक्स लिखने वाले इन भाई साहब का स्टैचू। जहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे लोग एंड करते हैं, मैं उल्टी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्योंकि पूरा दिन घूमने के बाद जब सारे 3-4 बजे तक फारिग हो जाते हैं जो बस टूर्स आती हैं अलग अलग शहरों से यहाँ पे बूडापेस्ट वगैरह से, वो शाम को यहाँ आके बैठ कर रिलैक्स करते हैं, गपशप मारते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं और फैमिली के साथ चिल करते हैं। बट क्योंकि मेरी तो जो आज का दिन है थोड़ी सी लेट शुरू हुआ है, मैं बाकी दूर वाली जगहें पहले देख आया हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। बट अब मैं पीछे की तरफ जाऊँगा सिटी सेंटर के ओल्ड टाउन में, फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से शुरुआत करें, बहुत छोटा है, आप जल्दी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आई गेस नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर द रेस्ट ऑफ द हिस्टोरिक ओल्ड टाउन ऑफ ब्रेटिसलावा एंड टू शो यू एग्जैक्टली व्हाट ऑल यू कैन डू हियर इन जस्ट वन डे। और जब कोविड नहीं होता तो यूरोप की मार्केट समर के दौरान ऐसे खचा खच भरी होती है, बट अब 2021 की कहानी हम चोर अलग ही होगी। और फाइनली मैं पहुंच गया हूं ब्रेटिसलावा के मेन स्क्वायर सेंटर के अंदर, ये छोटी सी सिटी का छोटा सा टाउन हॉल ठीक मेरे पीछे, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस। और यहां से 3 कोनों में मेन रोड्स निकलती हैं, इस तरफ बहुत सारी आइसक्रीम्स मिलती हैं, और नेटवर्क मॉन्यूमेंट जो छोटा सा है वो यहां पे। और यहाँ पे आगे जाके आ जाता है सैन मिशेल गेट, जो इस सिटी का सेंट्रल लैंडमार्क है, सबसे पॉपुलर। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं वियना और बूडापेस्ट से एक एक दिन स्पेंड करने के लिए। वियना से एक्चुअली ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ 1.5 घंटा दूर है, मैं खुद वियना से आया हूँ यहाँ पे सिर्फ इसी वजह से गाड़ी रेंट करने के लिए, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया के साथ कंट्री लगती है, चलता है यहाँ पे भी यूरो ही है, मगर ये ऑस्ट्रिया के मुकाबले काफ़ी सस्ती पड़ती है। जो कार मुझे ऑस्ट्रिया में 22,000 रुपये में मिल रही थी एक हफ्ते के लिए, वो मुझे यहाँ पे सिर्फ 7,000 रुपये में मिली है, 3 गुना सस्ती। और ये पार्टी डेस्टिनेशन है, इवन प्राग से लोग जो हैं वीकेंड पे यहाँ आते हैं पार्टी करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे आके नाइट लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, पार्टी वार्टी करना चाहते हैं, तो रात को आइए। बट इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर अ स्मॉल सिटी विद अ क्यूट टाउन, क्यूट ओल्ड टाउन एक्चुअली, तो फिर ये बहुत बढ़िया, आप वियना से यहाँ पे पेड बस टूर लेके भी आ सकते हैं, या फिर मेट्रो बस में।
और यहाँ पे ऑब्वियसली आपको पता है मैं बार कोशिश करता हूँ पानी कम खरीदूँ, छोटी बोतल साथ लेके चल रहा था। वैसे तो मार्केट में लेनी पड़ी, सुपर मार्केट क्योंकि बाहर था तो वहाँ पे एक यूरो की मिल गई, बट अंदर ढाई ढाई यूरो से कम आधे लीटर की बॉटल थी, तो इसलिए लगा है यहाँ पे तो भर लेते हैं। और जैसे इंडिया में कोर्ट मैरिज कोर्ट में होती है, तो यहाँ पे कानूनी शादी कई बार सिटी हॉल्स में हो जाती है, जहाँ पे लोग ऑफिशियल शादी के लिए इधर आ जाते हैं और उसके बाद किसी वेन्यू में मूव कर जाते हैं। और इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है और इसको एंजॉय कर रहे हैं कुछ हमारे इंडिया से आए टूरिस्ट भी। और से थोड़ा सा चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं सेंट मिशेल गेट पे, जो कि इस टाइम ठीक मेरे पीछे है। ये हिस्टोरिक बाउंड्रीज का हिस्सा है, शुरू शुरू में ये किला बंद शहर हुआ करता था और इसके पीछे जो है चारों तरफ एक्चुअली एक वॉल थी और ये उस ज़माने में उसकी मेन एंट्रेंस हुआ करती थी। और अब मेरे पीछे यहाँ का फेमस सेंट मिशेल गेट सिटी हॉल से सिर्फ 4-5 मिनट की वॉक पर आ जाता है और ये जो है उस दीवार का हिस्सा है जो इस सिटी को इनिशियली घेरा डालती थी, क्योंकि ये फोर्टिफाइड विलेज टाउन था, टिपिकल यूरोपियन टाउन, तो इसके चारों तरफ जो घेरा होता था फोर्टिफिकेशन, उसकी मेन एंट्री ये गेट पे थी। और इस शहर के कई हिस्से आज भी मेडिवियल स्टाइल के थोड़े से देखने में काफ़ी डेटेड और पुराने लगते हैं, बट क्योंकि मैं जा सबसे पुराने हिस्से की तरफ ही रहा था तो ऐसी कुछ बिल्डिंग्स दिखना तो लाजमी है। आज के आखिरी स्टॉप सेंट मार्टिन्स कैथीड्रल पे, जो कि यहाँ का मेन चर्च है सिटी का। अभी फिलहाल ये प्राइवेट इवेंट के लिए क्लोज है क्योंकि यहाँ पे शादी हो रही है, तो इसलिए मैं अंदर से तो नहीं देख सकता, बट इट्स प्रिटी कूल, इट्स नाइस। और इसकी दीवार पे जो ये हिस्टोरिक पेंटिंग्स बनी हुई हैं, इनकी भी एक सिग्निफिकेंस है। बट एनीवेज, अब क्योंकि ये जगह जो है मेरे हॉस्टल से बहुत पास है तो इसलिए मैंने इसको एंड में पकड़ा। इसका जो एक्चुअली डोम है वो मेरे हॉस्टल से दिखता है, तो बस अब यहाँ आज फाइनली 5:30-6 बजे दिन ख़त्म करने के बाद जाना है हॉस्टल, सामान वामान पैक करना है, हर चीज़ लादनी है, सब कुछ रेडी करना है, पासपोर्ट उठाना है और जाना सीधा ब्रटिस्लावा एयरपोर्ट और वहाँ से उठानी है गाड़ी और शुरू करनी है ऑस्ट्रिया की रोड ट्रिप। जैसे मैंने स्विट्ज़रलैंड की बनाई थी वैसे इस बार ऑस्ट्रिया की, बट इस बार मैं गाड़ी रेंट करने से रिलेटेड ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करूँगा, बट वो सब मैं दिखाऊँगा आपको अगले व्लॉग में, क्योंकि ये तो आज का दिन का व्लॉग था ना। आई गेस ऑलमोस्ट 8-10 दिन ऑस्ट्रिया में स्पेंड करेंगे, आई विल शो यू ऑल ऑफ ऑस्ट्रिया, सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।